हेलो गाइस, वेलकम इन आर ऑडिट डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस आर लेक्चर 5 और ये वीडियो सर बोथ सीआईपीसीसी एंड सीए फाइनल के लिए है। दिस वीडियो विल बी ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200। बेसिक ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या होता है और ऑडिट को हमें करना है एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। नाम वगैरह क्या है अगर आप देखना चाहो तो चलो एक बार देख लीजिए। एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एक ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको हम करेंगे। सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर ऑडिटर का मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आपका यह आंसर इस तरह से होना चाहिए, सर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट करना। ऑडिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या नहीं बने हैं, लॉ को फॉलो करते हुए बने हैं या नहीं बने हैं। अगर सब इस तरह से बना हुआ है तो मैं एक ओपिनियन देता हूँ, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? मेरे को एक ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्या ओपिनियन देनी है? कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू कब बोलेंगे? जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये मेरा एक ओवरऑल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है जब आप ऑडिट कर रहे हो और आपको थोड़ी सी भी ऐसी फीलिंग आए कि भैया कहीं पे कोई इंटेंशनल फ्रॉड या एरर भी बोल रहा हूँ मैं, एरर है, तो आप क्या करोगे? तो सर मेरा उस टाइम पे एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि मैं उस फ्रॉड को ढूंढूं। मतलब हालांकि ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर मेरे को ऐसा फील हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा चेकिंग करता हूँ। तो दिस इज़ माई सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अगर कुछ है तो मैं उसका इम्पैक्ट वगैरह निकाल लूँ, देखूँ कि क्या है, बट माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ ये देखना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं और मेरे को उस पर एक ओपिनियन देनी है। ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे मेरा ऑडिट स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको ऑडिट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करते हुए करना है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि मेरे काफ़ी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 से लेकर मेरा 800 तक की सीरीज जारी है। हर स्टैंडर्ड आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देता है, तो आपको फॉलो करके ऑडिट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी स्टैंडर्ड के नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों ने नहीं किए होंगे। जैसे कि एक स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेनी है डेटर से, क्रेडिटर से, लीगल कंसल्टेंट से। एक आपको बोलता है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट में ये पैराग्राफ्स कवर करने हैं। एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बोलता है कि आपको सैम्पलिंग करनी है क्योंकि आप 100% चेकिंग नहीं कर सकते। एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बोलता है कि आपको मटेरियलिटी निकालनी है। तो ऐसे हर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कुछ ना कुछ बताता है ऑडिटर को, कुछ ना कुछ गाइडेंस देता है। तो हमारा ये बेसिक जो एसए 200 हमारा पहला स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल बेसिक बातें बताता है कि हमें ऑडिट कैसे करना है। तो ये कहता है कि आपका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है एक ऑडिटर का वो ये होता है कि आपको एक ओपिनियन देनी है ये देखते हुए कि सब कुछ ठीक है। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है। तो ये तो हो गया क्रक्स मेरे एसए के नाम का। अब मैं आपको जो मैंने एक्सेल में कुछ डेटा आपके लिए बनाया है उसको आप लिखिएगा नहीं बिल्कुल भी, आप बाद में स्क्रीनशॉट या बाद में लिखिएगा। तो अभी एक बार मैं आपको वो और दिखा देता हूँ। चलिए, नाम जो है वो है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। नाम मैंने आपको समझाया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? सर देखिए, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रीपेड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर एसएस। ये कह रहा है कि मुझे एक ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं और एसए के हिसाब से बने हैं। ये ओपिनियन मैं कब दे पाऊंगा? जब मैं ये चेक कर पाऊंगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं, तब मैं एक रीजनेबल एश्योरेंस दे पाऊंगा। तो सर ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट और रीजनेबल एश्योरेंस क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट स्टार्ट किया और आपको 1000 रुपीज़ की गलती मिली। आपने कहा यार ये 1000 रुपीज़ की गलती है, इन करोड़्स में हम लोग डील कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट मटेरियल टू मी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, अनइंटेंशनल एरर हो गई तो ठीक कर लो, या पढ़ी भी रहे तो मेरे को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये मटेरियल नहीं है। मेरे जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया, जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके डिसीजन पर इस एरर से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई बंदा किसी कंपनी के शेयर खरीदने वाला है
और मैं उसको बोलूँ भैया 1000 रुपये की गलती मिली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देख लो कहीं आप शेयर ना खरीदो। वो कहेगा सर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, 1000 रुपये के एरर से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड थिंग, मैं ऑडिट कर रहा हूँ और मेरे को कोई 1000 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, जो कि मटेरियलिटी में निकालूंगा, अगर उस मटेरियलिटी से ऊपर या उसके बराबर की मेरे को कोई गलती मिलती है तो मैं क्या बोलूँगा यूज़र को, हे यूज़र यार एक 500 करोड़ की गलती मिली है, तू शेयर खरीदने वाला है देख लियो अभी तेरा अगर डिसीजन इफेक्ट हो रहा हो तो कोई भी ऐसी एरर, मैं देखो मैं एक जो एग्जांपल आपको मेरे को लगता है कि बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से जो फिट होता है मैं आपको वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई भी ऐसी एरर, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी वजह से किसी यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी हो सकता है, का डिसीजन इफेक्ट हो जाए, दैट इज़ मटेरियल। मतलब बिल्कुल सीधी सरल भाषा में मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिससे किसी यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन चेंज हो जाए, दैट इज़ माई मटेरियल स्टेटमेंट। तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होने चाहिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, ठीक है जी, ये हमें चेकिंग करनी है। बोलता है कि अब कब बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, एक ऑडिटर कब बोलेगा ऐसा, उसके लिए ऑडिटर को ऑडिट करना पड़ेगा, ऑडिटर को डिस्कशन करना पड़ेगा, ऑडिटर को एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, उसके बाद वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देगा। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है सर, दो तरह की एश्योरेंस होती है, नंबर वन रीजनेबल एश्योरेंस, सेकेंड इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, आप बोल रहे हो कि भैया ये चीज़ तो 100% ठीक है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, आप आँख बंद करके भरोसा कर लो। एक ऑडिटर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो ओनली एंड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। सर सबसे पहले समझाऊंगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है। 100% आपने कहा बिल्कुल ठीक, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, एक ऑडिटर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? क्योंकि अकाउंटिंग होती है पूरे साल, 365 दिन अकाउंटिंग होती है। अगर बड़ी कंपनी की बात करूँ तो हजारों लोग काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और मैं ऑडिट करता हूँ। हम 4-5 लोग या 3 लोग, 2 लोग 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन में पूरे साल का डेटा चेक नहीं कर सकते। तो हमारी दो लिमिटेशन क्या निकल के आई, एक तो क्वांटम ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, तीसरा रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोग बहुत कम होते हैं, चौथा मनी। क्लाइंट मुझे 1000000 रुपये नहीं देता काम करने के लिए, मुझे मेरी फीस होती है जो कि जिसी में मेरे को सब कुछ मैनेज करना होता है और पैसा भी कमाना होता है। मैं देश सेवा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चार मैंने आपको बताई जो लिमिटेशंस हैं, और बेसिक मेन लिमिटेशन है जिसकी वजह से मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्लाइंट बोले भाई मुझे तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए, तो हम बोल देंगे सर नमस्कार, हम नहीं कर सकते आपका काम, हम सिर्फ आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि 100% सही नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं एक हाई लेवल एश्योरेंस, 99% वी कैन एश्योर यू कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर व्यू, बट नॉट 100%। तो आपको समझ आया रीजनेबल एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि हाई लेवल एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अगर कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते क्यों, तो आप बोलोगे लिमिटेशंस हैं कुछ हमारी ऑडिट की। क्या लिमिटेशन है? टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज, इस तरह की लिमिटेशंस मैं अभी आपको बताऊंगा, और इन लिमिटेशन को ऑडिट में बोला हुआ है इनहेरेंट लिमिटेशन, जिनको हम खत्म नहीं कर सकते। इन ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब जरा वो डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलिए जी अब पढ़िए। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, सही बात है क्योंकि हम एब्सोल्यूट नहीं ले सकते। अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं, तो हमें क्या देखना है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, देयर बाई एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन वेदर, ऑडिटर को क्या करे वो एनेबल कर दे ओपिनियन देने में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। उसके बाद क्या कहता है, अगर आपको रीजनेबल एश्योरेंस ना मिले, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, इफ रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन एंड क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशियंट, देन ही शुड आइदर डिस्क्लेम द ओपिनियन और विदड्रा फ्रॉम द एंगेजमेंट। ये बोलता है सर, मैं आ जाता हूँ आपके सामने, ये बोलता है कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस भी नहीं मिल रही। आप जब ऑडिट कर रहे हो, आपने क्लाइंट को कहा कि सर आपके एक 50 करोड़ का डेटर आ रहा है, जरा मेरे को उसकी इनवॉइसेस दिखा दो, उससे मेरे को कन्फर्मेशन दिलवा दो, वो आपको नहीं मिल रही, ना ही आपको इनवॉइसेस मिल रहे, तो आप यू आर नॉट एबल टू डू ऑडिट। द रीज़न कैन बी एनी, मतलब आपको कुछ भी किसी भी रीज़न से आप ऑडिट नहीं कर पा रहे हो, आप एक रीजनेबल एश्योरेंस भी नहीं दे पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे?
तो वहाँ एक वर्ड था क्वालिफाइड ओपिनियन, आई होप आपको नहीं समझ आया होगा बिकॉज ये हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 सीरीज का पार्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन हम देते हैं। तो कह रहा है कि या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब अच्छी ओपिनियन नहीं होती, तो वो बाद में समझेंगे आप, या फिर आप डिस्क्लेमर दे दो, ये भी हम बाद में समझेंगे, या अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो भैया अगर आपको शुरू में ही पता चल गया कि आप ऑडिट नहीं कर सकते तो विड्रॉ कर लो, आप उस ऑडिट को छोड़ दो। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना सर, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप मेरे पहले स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 की सीरीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद देखिए, अदरवाइज़ आप इसको अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर हमें रीजनेबल एश्योरेंस ना मिले और तो हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए एंगेजमेंट से अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए, और अगर मुझे बाद में पता चले तो मेरे को एक क्वालिफाइड ओपिनियन देनी चाहिए या फिर डिस्क्लेमर, इनमें से कौन सी देनी है ये 700 करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझ आ गया सर हमें, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझ आया हमें क्या होता है, ओपिनियन देना किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कब देखेंगे कि एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना है नहीं बना है, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, एक रीजनेबल एश्योरेंस देखेंगे लेंगे किससे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है नहीं है। तो आपको आई होप ये चीज़ें मेरी समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ एक आगे, मैंने आपके लिए फ्लो बनाया है, फ्लो क्या बनाया है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें, मैं इन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकता हूँ। देखिए सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की, कैसे बनाता है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस व्हाटएवर जैसे भी जो भी हमारा है उसके हिसाब से बनाता है। ऑडिटर डिसाइड करता है कि मेरे को क्या कब कहाँ ऑडिट करना है, स्कोप एंड विजिट द प्रमाइसिस ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता ऑडिटर पर, मतलब क्लाइंट कभी भी ये नहीं बोल सकता कि आप यहाँ नहीं आ सकते, ये नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते। फिर क्या करता है ऑडिटर, इंक्वायरी करता है और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करता है कि भैया मेरे को कितना चेक करना है, कैसे करना है, कब करना है, और ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैंने आपको पहले बताया है कि हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने होते हैं, सफिशिएंट मीन्स क्वांटम, अप्रोप्रिएट मीन्स क्वालिटी, हमें सफिशिएंट जितना डेटा जितने एविडेंस चाहिए उतने ऑब्टेन करने और अच्छे ऑब्टेन करने हैं, ठीक है, ये आप पीछे वाली वीडियोज़ में समझ चुके होंगे। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस जो कि मैं आपको बता दिया है, बाई कंसिडरिंग एसेज फॉर इश्योरेंस ओपिनियन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट होना था, ये मैंने बताया कि कैसे आप करोगे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर उस पर रीजनेबल सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेकर आप ओपिनियन दोगे। अब आगे चलते हैं, रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, एक ऑडिटर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं आपके सामने आ ही जाता हूँ सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा बेसिक जो क्रक्स था ना ऐसे का वो मैंने कवर किया है अभी। अब बोलता है कि रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ऑडिटर, या ऑडिटर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक ऑडिटर के अंदर क्या होना चाहिए, ऑडिटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हम पीछे कवर कर चुके हैं फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप वही बोलोगे सर, ऑनेस्ट होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, ठीक है, एविडेंस ऑब्टेन करे, तो ये सब एक ऑडिटर के अंदर होना चाहिए, बेसिक थिंग्स है सर ये एक ऑडिटर की। अब यहाँ पे देखो एक एक दो दो चीज़ें कवर है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब आप क्लाइंट ने एक 50 करोड़ की मशीन खरीदी, तो ये नहीं कि क्लाइंट ने आपको इनवॉइस दिया और आपने कहा ठीक है यार हाँ 50 करोड़ की मशीन खरीदी है आई हो गई, यू शुड बी प्रोफेशनली स्केप्टिसिज्म, आपको क्वेश्चनिंग माइंड रहना है, आपको अवेक अवेयर हर चीज़ के बारे में रहना है कि क्लाइंट ने मशीन क्यों खरीदी, क्या रिक्वायरमेंट थी, कहाँ से खरीदी, कितनी कोटेशंस आई, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तो यू शुड बी प्रोफेशनल। क्लाइंट ने एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्लाइंट जो भी बोले आपको मानना नहीं है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद अगर आपको रीजनेबल एश्योरेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए, आपको अच्छे से इंक्वायरी से आप सेटिस्फाई हो जाओ, देन यू कैन से या इट्स फाइन। तो एक ऑडिटर की क्या रिक्वायरमेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, ही शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब वो किस अगर क्लाइंट बोले कि सर हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे आप ऐसा कर दो, तो नहीं होना चाहिए, बाइसनेस नहीं आनी चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी जो उसका इंडिपेंडेंस जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है मेरे को ओपिनियन में ये देना है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब उसको खुद को नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ड्यू केयर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, क्लाइंट के डेटा को इधर उधर कहीं शो ना करे और प्रोफेशनली उसको बिहेव करना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, जजमेंट, मल्टीपल टाइम्स सर एक ऑडिटर अपनी जजमेंट यूज़ करता है तो प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करे, उसका कोई बेस होना चाहिए, ये नहीं जो मन में आया वो कर दिया,
एक ऑडिटर जो भी ड्यूरिंग ऑडिट डिसीजन लेता है उसको पूरा रिकॉर्ड करना होता है, नोट डाउन करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है. सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले. ऑडिट रिस्क की सर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. कंडक्ट ऑडिट एज पर एसए. तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हो गई. कुछ जनरल कंसेप्ट्स मेरे को आपके साथ डिस्कस करने हैं, अभी मैं डिटेल में करूंगा सर ये आपके साथ. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपको पता चला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बताए कि हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं. सर एग्जांपल के लिए कि सोसाइटी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, उसका एक अलग रूल है. एक कंपनी को कैसे बनाने हैं, प्रोप्राइटर को कैसे बनाने हैं, पार्टनरशिप को कैसे बनाने हैं, तो इस पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ऑडिट एविडेंस, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको लेने हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट बनाता है, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. प्रेमाइसिस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड, जहाँ पे क्लाइंट बैठता है, जहाँ पे मेन बिजनेस कंडक्ट होता है वहाँ हम जा सकते हैं. क्लाइंट ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करता है. स्केप्टिसिज्म, उसको हमेशा स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, हमेशा क्वेश्चंस करे. रीजनेबल एश्योरेंस ले, क्योंकि एब्सोल्यूट हम ले नहीं सकते. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा, हो सकता है पीछे वाली वीडियो में आपको कवर करवा चुका हूँ. रोमम, सर ये कॉम्बिनेशन होता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का. ऑडिट रिस्क में एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा. तो अभी तक जो हमने कवर किया सर, वो किया है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर और कुछ जनरल टर्म्स. अब हम करते हैं इस एसे का फुल फ्लेज, जो आपकी बुक में, सर थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, जो आपकी बुक में पूरा लिखा हुआ है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमें चीज़ें समझ आ गई. अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आई हो तो सर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाला करो, मैं उनको रिप्लाई करूँगा. मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा. और अगर आपको वीडियोस, अगर आप वीडियो के लिए वेट करते हो कि सर अगली वीडियो कब आएगी, तो सर बहुत से स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग डले हुए हैं, अब वो कीजिए. वाउचिंग वेरिफिकेशन डला हुआ है. सी ए फाइनल के लिए मैं एक चैप्टर अभी फटाफट डालूंगा. तो अब आप मेरा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने क्या कंटेंट आपके साथ शेयर करना है. तो सर देखिए, ये मेरा एसे 200 है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. तो इसमें डेफिनेशंस में कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सब कवर किया है सर, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा. आप सर मेरी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की बुक भी खरीद सकते हैं. उसके लिए आपको ईमेल करना होगा मुझे cagoyalkapil@gmail.com पर. cagoyalkapil@gmail.com आई थिंक यहीं पे है. कहाँ है यार ये आपका मिलेगा सर, ये रहा. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर इज फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्या है सर, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देयर बाय एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर एसेज, इफ रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन तो हमें विड्रॉ करना होगा. ठीक है जी, अब इससे ऊपर की बातें मैं आपको कवर करवाता हूँ. ऊपर क्या बोल रहा है, मैं आपको सब बता चुका हूँ. ऊपर बोल रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम बेसिक पॉइंट्स. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन द प्रमाइसिस दैट मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस हैज सम फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब हम क्लाइंट प्लेस पे ऑडिट करते हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव देम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये क्या मतलब इसका, कि भैया क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं. स्कोप ऑफ ऑडिट, एक ऑडिटर का क्या स्कोप होता है. द पर्पज ऑफ ऑडिट क्या होता है, भाई वो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करता है. हिज ओपिनियन इज ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. हिज ओपिनियन डज नॉट एश्योर फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी. हम फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं उसके ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बात करते हैं, ना ही हम बात करते हैं. हीज ओपिनियन डज नॉट एश्योर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी विद विच द मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड हिज अफेयर ऑफ द एंटिटी. इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि भैया एक ऑडिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कंपनी में जाके ये बोले कि आपका भैया 100 इनपुट क्वांटिटी से आपकी 95 का आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन 90 का आया है तो आपने 5 का लॉस क्यों किया. इससे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एफिशिएंसी चाहे उनकी कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं. तो सर क्या इसको कौन देखता है, सर इसके लिए कंपनियां इंटरनल ऑडिट करवाती है अलग से और उसके अंदर इन सब चीज़ों को देखा जाता है. However, in some cases, applicable law and regulation may require auditor to express opinion on some specific matters, then auditor should undertake further work. कह रहा है कि
अगर आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और बाकी जो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अलावा कोई लो अगर आपको कुछ करने के लिए बोले तो आप कर सक आप आपको करना पड़ेगा, अपना काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। ऑडिटर को डिसाइड करना है स्कोप ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन ICI के हिसाब से, और आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो आपने एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से अपना काम डिसाइड करोगे, ठीक है जी। हाउएवर द टर्म ऑफ एंगेजमेंट कैन नॉट सुपरसीड प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ICI, मतलब कह रहा है कि आपकी टर्म्स इस तरह की नहीं हो सकती, जो हमारा लो है उसी को ही चेंज कर दे, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बोलता है कि आपको ऑडिट की कन्फर्मेशन लेनी है, तो आप ये नहीं कह सकते एग्रीमेंट के अंदर कि हम भैया अच्छा है ऑडिटर, आप अपनी कन्फर्मेशन मत लेना। आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, मैंने आपको बता दिया। इनहेरेंट लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया क्या होती है, कि जिसकी वजह से हम इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब हम अपने अब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, मतलब 100% एश्योरेंस, रिस्क जीरो नहीं कर सकते। ये आप देख लीजिएगा सर, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब इसमें मेरे को जितना लगता था कि आपको जितना समझाना चाहिए मैंने बता दिया अच्छे से, और ये मैंने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव करवा दिया, रिक्वायरमेंट मैंने आपको करवा दिया। एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेव करना चाहिए उसको, उसके बाद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मैंने आपको बताया। ही शुड रिकॉग्नाइज द कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स बींग अलर्ट, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्राडक्टरी एविडेंस। एक जगह पे आपको पता चला कि सर्विस टैक्स 100 रुपये है, लेकिन आपको रिवेन्यू से पता चल रहा है जो आपने सर्विसेज दी है उसके हिसाब से आपका 150 होना चाहिए या उससे अलग होना चाहिए, तो कॉन्ट्राडक्टरी अगर आपको सिचुएशन लग रही है, पॉसिबल फ्रॉड्स, आपको हमेशा इस तरह से प्रोफेशनली स्केप्टिसिज्म रहना है। प्रोफेशनल जजमेंट, आपको प्रोफेशनल जजमेंट लेनी है। सर कैसी जजमेंट, कि आपके ऑडिट की मटेरियलिटी क्या होगी, आपका ऑडिट का रिस्क क्या है, आपका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट क्या होगा, आपके हिसाब से एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद इस एसे में कंप्लाई कंडक्ट ऑफ ऑडिट अकॉर्डेंस विद एसे मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि एसे के हिसाब से आपको काम करना है, हर एसे कुछ बोलता है उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है जी। ये हमारा ख़त्म हो गया SA 200। सर SA 200 मेरे हिसाब से मैंने आपको एक क्रक्स, एक समरी, एक जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो डिलीवर की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने 100% आपको करवाया है, लेकिन हाँ अब एक स्टूडेंट अगर इसको बुक से रीड करेगा इस वीडियो को देखने के बाद तो उसे समझ आएगा। चलिए सर आपको ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बाद हम आगे चलेंगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर 1 कम्प्लीट हो जाएगा, बाकी फिर हम धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। बाय बाय, टेक केयर।